तो क्या हाल है मेरी YouTube पब्लिक, इट्स अभिषेक साइनिंग इन विद अ न्यू वीडियो। सोच रहे हो यार मास्क ला के क्यों बात कर रहा है, तो बस मैं ये मास्क अभी आप लोग कुछ बातें बताने के लगाया हूँ कि भाई देखो, आजकल अभी अपने इंडिया में कोरोना वायरस के केसेस बहुत ज्यादा पुश कर रहे हैं, बहुत ज्यादा हो रहे हैं। डे में आई थिंक 10,000 मिनिमम केसेस आ जा रहे हैं। तो कभी भी आप लोग यार बाहर जाओ मत, पहली बात है घर से। यार लॉकडाउन माना कि अनलॉक हो चुका है बहुत जगहों पे, बट क्यों जाना है, आपकी सेफ्टी आपके हाथों में है। तो आई डोंट थिंक बाहर जाने का कोई मतलब है आपका, लेकिन अगर आपको जरूरी काम के लिए जाना है तो इस मास्क का यूज करो, इस मास्क को लगा के बाहर जाओ। मैं तो अभी घर पे हूं इसलिए मैंने मास्क उतार दिया है, लेकिन अगर आप बाहर जा रहे हो तो ये मास्क लगा के जाओ, हैंड सैनिटाइजर अपने साथ कैरी करो। तो क्या मेरी वीडियो की पब्लिक, मैं वापस आ गया हूं आज अपनी एक ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। आज की वीडियो होने जा रही है ओपन पोर्स पे, ये उन लोगों के लिए होने जा रही है जिनके फेस पे बहुत ज्यादा ओपन पोर्स है। तो इस वीडियो में मैं आपको सब बताने जा रहा हूं यार, मैंने बिकॉज बहुत से वीडियोस पे मैंने सर्च किया यूट्यूब पे, किसी ने बताया ही नहीं है कि ओपन पोर्स होते क्यों हैं। बस ये बता दिया है कि यार ओपन पोर्स पे आपको ये लगाना है, ये चीजें करना है, क्या अवॉइड करना है किसी ने नहीं बताया, क्या आपके फेस पे आ क्यों रहे हैं उसका रीजन किसी ने नहीं बताया है, इससे आने से रोक कैसे सकते ये भी किसी ने नहीं बताया। तो मैं इन सभी चीजों के साथ इस वीडियो में आया हूं, उसके साथ साथ मैंने 5 सॉल्यूशन भी इसके लाए हैं, तो मैं सब कुछ इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो अगर आप इस चीज से सफर करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रही है, तो प्लीज कोई पार्ट को स्किप मत करिएगा, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अगर ये आपको नहीं, आपके किसी भी दोस्त को है, तो ये वीडियो प्लीज उनके साथ शेयर करिएगा, क्या पता आपके लिए नहीं लेकिन ये किसी और के लिए बेनिफिशियल हो जाए। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए मूव करेंगे वीडियो की तरफ। बस एक और चीज, अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पे एक सब्सक्राइब बटन होगा, जाइए उसको दबाइए, साथ साथ बाजू का घंटा भी दबा दीजिए ताकि जब भी मेरी अगली वीडियो आएगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और साइड में मेरा इंस्टा हैंडल आ रहा है, कुछ भी बात करनी हो आप इंस्टा पे आके मुझसे बात कर सकते हैं, चाहो तो उधर फॉलो भी कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अब मूव करते हैं वीडियो की तरफ। देखो यार, सबसे पहले हम ये बात करते हैं पोर्स क्या होते हैं, व्हाट आर पोर्स। देखो हर किसी के स्किन पे ना पोर्स होते हैं जिसके कारण आपका स्किन ऑक्सीजन ले पाता है और आपके स्किन को हेल्दी रख पाता है, लेकिन बहुत सारे लोग के वो पोर्स ओपन रह जाते हैं। ये जो पोर्स होते हैं अपने आप ओपन और क्लोज होते रहते हैं, जब इनको कुछ चाहिए होते अपने आप ओपन होकर ऑक्सीजन ले लेते हैं या कुछ भी जो भी इनको ऑर्गेनिक चीज चाहिए होती है ले लेते हैं और अपने आप क्लोज हो जाते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों के पोर्स किसी किसी रीजन से ओपन रह जाते हैं, वो रीजन क्या है मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा, लेकिन हम उस टाइप के पोर्स को कहते हैं ओपन पोर्स, जो आपके फेस को बहुत अनहेल्दी और एजेड भी दिखा सकता है, आपको आपकी एज से ज्यादा बड़ा दिखा सकता है, तो वो होते हैं ओपन पोर्स। अभी आपको क्लियरली समझ आ गया होगा ओपन पोर्स क्या है। अब बात करते हैं ओपन पोर्स होते कैसे हैं, ये ओपन पोर्स कैसे आ जाता है हमारे फेस पे। वैसे तो इसके 8 रीजंस हैं, लेकिन जो सबसे मेन रीजन है पहले को बता दो, फिर सारे 8 रीजन बता देता हूं। देखो इसका जो मेन रीजन क्या है, जो मतलब जेनेटिक्स नहीं है, उससे भी एक अलग रीजन क्या है। जब आप बाहर जाते हो तो क्या होता है, आप सन एक्सपोजर में आते हो, पॉल्यूशन होता है, डर्ट होता है, बैक्टीरिया होता है, ये सब क्या करते हैं आपकी स्किन पे आ जाते हैं, बिकॉज आपकी स्किन तो ओपन होती है ऑक्सीजन लेने के लिए, लेकिन पॉल्यूशन के कारण, गंदगी के कारण, आपके मेकअप के कारण, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के कारण वो पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं, जिसके कारण वो क्लोज नहीं हो पाते हैं और वो ब्लॉक होने के कारण उनको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, तो वैसे ये ओपन पोर्स हो जाते हैं। लेकिन वो 8 रीजन क्या है जिनसे हमारे ये पोर्स ओपन होते हैं, तो देखो पहले आपको 8 रीजन मैं बता देता हूं। सबसे पहला आता है जेनेटिक्स, फिर आता है स्मोकिंग, तीसरे पे आता है आपका हार्मोनल चेंज, चौथे पे आता है एजिंग, पांचवे पे आता है ऑयल सिक्रेशन जो कि आपका ऑयल ग्लैंड से होता है, सिक्स्थ पे आता है आपका हाइजीन, सेवन्थ पे आता है इम्प्रॉपर डाइट और एट्थ पे आता है मेकअप। ये 8 रीजन होते हैं। और हाँ एक और है, वो होता है सन एक्सपोजर, ये 9 रीजन है जिससे आपके पोर्स ओपन हो जाते हैं। तो आपको इन चीजों को अवॉइड करना, देखो जेनेटिक्स है तो आप कुछ नहीं कर सकते, मैं आपको वीडियो के आगे में और बताऊंगा कि इससे कैसे ओवरकम करें, तो आप वो चीजें कर सकते हैं, लेकिन यह 8 चीजें तो आप अवॉइड कर सकते हो। तो इन 8 चीजों को आपको अवॉइड करना है जिससे आपको ओपन पोर्स कभी नहीं होंगे। यार अब आप बाहर जाते हो तो अपने फेस को कवर करना सीखो, जब आप किसी डर्ट प्लेस पे जाते हो, पॉल्यूशन वाली जगह पे जाते हो, या आप लोग कभी भी कहीं सन वन में जा रहे हो, तो आपको अपने फेस को कवर रखना है, एंड आपको आने के बाद अपना फेस वॉश करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओपन पोर्स में क्या होता है, देखो पोर्स हमारे स्किन को मॉइस्चराइज रखते हैं, स्मूथ रखते हैं, उनको ऑयल देते हैं जो कि हमारे सेबेशियस ग्लैंड से आता है, जो हमारे पोर्स का बॉटम होता है।
आम शब्दों में बोलूं तो ऑयल ग्लैंड, वो हमारे ऑयल ग्लैंड से ऑयल लेके हमारे स्किन को देता है, इन पोर्स को देता है, जिससे हमारी स्किन मॉइस्चराइज रहती है और स्मूथ रहती है। लेकिन जब आपके यही पोर्स बहुत लंबे टाइम के लिए ओपन रह जाते हैं तो ये ब्लॉक हो जाते हैं। किनसे ब्लॉक हो जाते हैं? ये ब्लॉक हो जाते हैं ऑयल से, डेड स्किन से या डर्ट से, जिससे ब्लॉक होने के कारण आपको स्किन प्रॉब्लम्स होने लग जाती है, उन पोर्स से ब्लड आने लग जाते हैं। स्किन प्रॉब्लम्स किस टाइप की होती है? आपको एक्ने हो जाता है, आपको ब्लैक हेड्स हो जाते हैं, और अगर ये आपके नोज पे या फिर आपके चीक्स पे आ जाते हैं, उससे क्या होता है, ये आपको एजेड दिखाने लगते हैं, आपकी स्किन को अनहेल्दी दिखाने लगते हैं, आपकी लुक को गिरा देते हैं। तो ये होता है हमारे ओपन पोर्स में। अब बात करते हैं इन पोर्स से भाई लड़ना कैसे है, रेमेडीज बताओ इसको हटाना कैसे है। तो इसके लिए मैं टॉप 5 रेमेडीज लाया हूं आपके लिए। देखो मैंने इसके लिए प्रॉपरली रिसर्च किया है, ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ भी देख के आपके लिए ले आया है, ऐसा नहीं है, ये बेस्ट 5 है। मैं पहले ही बता दे रहा हूं, ये रेमेडीज बताने से पहले इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये नेचुरल है, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होने वाला है आपको। ये एकदम नेचुरल प्रोडक्ट से बिना कोई भी मार्केट का मॉइस्चराइजर या क्लींजर यूज किए है, ये आपको फ्रेश प्लांट से या आप अपने घर पे बना सकते हैं, तो आपको इससे डरने की कोई बात नहीं है, ये अपना रिजल्ट एकदम प्रॉपर तरीके से दिखाएगा। तो आपको कोई डरने की बात नहीं कि इसका कुछ साइड इफेक्ट हो जाएगा, तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, ये मेरी पूरी की पूरी गारंटी है आपको। मैं सीधा बता रहा हूं, मैं पहले भी बता रखा हूं, मैं जहां रहता हूं वहीं पे मेडिकल कॉलेज भी है, जहां मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं मेडिकल के, उनसे भी कंसर्न किए हैं और तब मैंने ये वीडियो लाई है, तो आपको इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। तो चलिए अब मूव करते सीधा हमारे रेमेडीज। तो सबसे फर्स्ट रेमेडी होने जा रही है, वो होने जा रही है एलोवेरा, फ्रेश एलोवेरा जेल से। उसमें क्या करना है, आपके आसपास में कहीं ना कहीं तो एलोवेरा जेल होगा, आप मार्केट से खरीद के एलोवेरा जेल मत लाओ, बिकॉज वो फ्रेश नहीं होता है, उसमें कुछ ना कुछ लोग केमिकल्स मिला देते हैं, जिनके कारण आपका जो एलोवेरा जेल रहता है वो नेचुरल नहीं रहता है। आपको क्या करना है, आपके घर पे या बाहर में कहीं ना कहीं एलोवेरा जेल का प्लांट होगा, उस प्लांट से आपको एक एलोवेरा तोड़ के लाना है, उसे छील के उसका जेल निकाल लेना है। अब आपको क्या करना है, वो जेल निकालने के बाद आपको उस जेल को अपने फेस पे अच्छे से मसाज करना है 10 मिनट तक, और उसके बाद आपको इसे कोल्ड वाटर से धो देना है, जिससे क्या होगा, ये आपके पोर्स को क्लीन कर देता है। अब बात करते हैं ये यूज करने से आपको फायदा क्या होगा। सबसे पहली बात है, ये आपके स्किन को नॉरिश करता है और हाइड्रेट करता है, और जो थर्ड चीज करता है, ये क्या करता है, आपके पोर्स को अनब्लॉक कर देता है। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था आपके पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं डर्ट से, डेड स्किन से या फिर ऑयल से, तो ये उसे अनब्लॉक करता है। तो एक रेमेडी बता दिए, अब मूव करते हैं दूसरी रेमेडी पे। अब मूव करते हैं सेकंड रेमेडी पे। सेकंड रेमेडी है हमारा एप्पल साइडर विनेगर। ये एप्पल साइडर विनेगर ना यार, मेरी बात मानो, ये सबसे बेस्ट स्किन टोनर्स में से एक है, और ये आपके स्किन के लिए, ये आपके पोर्स के लिए भी अच्छे से काम कर सकता है, अगर आपने इसको अप्रोप्रिएटली यूज किया तो। आपको क्या चाहिए इसे लगाने के लिए, आपको चाहिए एप्पल साइडर विनेगर, वाटर, और तीसरा चाहिए आपको एक साफ कॉटन। आपको क्या करना है, बराबर मात्रा में एप्पल साइडर विनेगर और वाटर को एक बाउल में ऐड करना है, और कॉटन से लेके 10 मिनट तक अपने फेस पे मसाज करना है, और फिर आपको इसे अपने कोई भी फेस वॉश से जो आप यूज करते हैं उससे वॉश कर देना है। अब बताता हूं ये करता क्या है, ये आपकी स्किन को ना टाइटन कर देता है और क्लीन कर देता है, जो आपके पोर्स को मिनिमाइज करने के काम आते हैं। तो मैं आपको दो रेमेडी बता दिए, अब मैं बताता हूं तीसरी रेमेडी पे। जो हमारी तीसरी रेमेडी होने जा रही है वो हो रही है एग व्हाइट। डाउट में आए एग व्हाइट कैसे, बताता हूं आपको। आपको एग व्हाइट का एक पेस्ट बनाना है, वो कैसे बनाना है वो मैं आपको आगे बताता हूं। उसके लिए आपको क्या चाहिए, एक एग व्हाइट चाहिए, येल्लो वाला खा जाओ या फेंक दो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको व्हाइट वाला एग का लेना है, उसमें 2 टेबलस्पून ऑफ ओट मील पाउडर ऐड करना है और 2 टेबलस्पून ऑफ लेमन जूस ऐड करना है, और आपको इसका पेस्ट बना के अपने फेस पे लगा के 15 मिनट्स के लिए छोड़ देना है। ये आपको वीक में 2 बार करना है, आपको ये अपने फेस पे लगा के छोड़ देना है, एंड फिर 15 मिनट बाद इसे अपने किसी फेस वॉश से जो आपके फेस पे यूज होता है, आपको ऑयली है तो ऑयली स्किन वाला फेस वॉश, या ड्राई है तो ड्राई स्किन वाला फेस वॉश यूज करना है, एंड इसे वॉश कर लेना है। अब ये काम कैसे करता है, ये क्या करता है, ये आपके स्किन को टाइटन कर देता है, आपकी स्किन की टोन बढ़ा देता है, आपकी स्किन की क्वालिटी बढ़ा देता है। जब आपकी स्किन क्वालिटी बढ़ती है तो जो आपके वहां पे डर्ट्स हैं आपकी स्किन में वो निकलने लगते हैं, जिससे आपके पोर्स वापस से हेल्दी हो जाते हैं एंड वो वापस से अपना फंक्शन करने लगते हैं। बात करते हैं हमारे फोर्थ रेमेडी की। फोर्थ रेमेडी है हमारा हनी। हनी क्या है यार, देखो आपको हनी डेली सुबह, ये मैं खुद पर्सनली करता हूं, मेरे आप देख सकते हो
मेरे फेस पे कोई ओपन पोर्स नहीं है, तो मैं क्या करता हूं, इसे अवॉइड करने के लिए भी आप इसे यूज कर सकते हो, डेली सुबह मैं लगाता हूं, फेस पे हनी लगा के 15 मिनट्स के लिए छोड़ देना है एंड फिर वॉश कर लेना है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, 15 मिनट के लिए हनी आपके फेस पे रहेगा और आपका फेस हल्का सा चिपचिपा हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, वॉश करने के बाद उतना ही स्मूथ हो जाता है आपका फेस। इससे क्या होता है, सबसे देखो इसमें आपका तीन फायदा होता है, पहला स्किन टाइटन होती है, दूसरा आपकी स्किन टोन इंप्रूव होती है, उसकी क्वालिटी इंप्रूव होती है, और तीसरा आपके पोर्स क्लोज हो जाते हैं। जब आपके पोर्स क्लोज हो जाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली अच्छे से फंक्शन करने लग जाएंगे एंड फिर आपके एक्ने और ब्लैक हेड्स अपने आप कम हो जाएंगे। यार अब देखो जो ये फिफ्थ चीज होने जा रही है ना, ये आपने सुनी होगी, इसका आपको पता भी कैसे काम करेगा, नॉर्मल आपको बता देता हूं। यह आपको क्या करना है, रोज वाटर एंड कर्ड, इनको एक साथ नहीं लगाना है। देखो पहले बताता हूं कर्ड का, आपको कर्ड ना अपने फेस पे लगा के छोड़ देना है, 10 मिनट बाद वॉश कर लेना है, वीकली ट्वाइस करोगे चलेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। इससे आपका स्किन क्लियर होता है, आपके पोर्स क्लोज होते हैं और आपकी स्किन क्वालिटी बढ़ती है। और जो दूसरा है वो है रोज वाटर। देखो रोज वाटर यार सबने सुना होगा, सबके घर वालों ने बोला होगा रोज वाटर लगाओ फेस पे, आपके फेस को साफ रखता है। जब आपका फेस साफ रहेगा तो आपके पोर्स साफ रहेंगे, जब पोर्स साफ रहेंगे तो ओपन होंगे ही नहीं, जब ओपन पोर्स होंगे नहीं तो ब्लैक हेड्स और एक्ने का सवाल कहां है बताओ तो मुझे। तो इसलिए आप इनका यूज करो। और कभी भी यार आप लोग रोज वाटर हाथ पे लेके ऐसे मत लगाओ, उसके लिए कॉटन ले लो और कॉटन से लगाया करो। देखो यार मैंने जो चीजें मुझे पता थी रेमेडीज वो मैंने आपको बता दी है, जो मेरे को सबसे बेस्ट रेमेडीज लगी वो मैंने आपको बता दी है। अब ये नीचे की तीन चीजें ये आपको थोड़ा फॉलो करना जरूरी है। देखो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि ये सबसे ज्यादा किसको होते हैं ओपन पोर्स, ऑयली स्किन वालों को होते हैं। तो जो ऑयली स्किन वाले हैं यार उनको अपनी स्किन को साफ रखना बहुत जरूरी है, बिकॉज आपका सेबेशियस ग्लैंड जो है, जो ऑयली ग्लैंड है आपका, ऑयल ग्लैंड है, वो बहुत ज्यादा आपका ऑयल एक्सक्रीट करता है, जिसके कारण आपको ओपन पोर्स होने के बहुत चांसेस है, आपके पोर्स ब्लॉक होने के बहुत चांसेस है। तो यार लास्ट का वो कर्ड वाला, हनी वाला एंड रोज वाटर आपको लगाना बहुत जरूरी है। आपको अपने फेस पे सनस्क्रीन लगाना है बाहर जा रहे हो तो, आपको आपके फेस को कवर रखना है, फेस वॉश करते रहना है, इन चीजों का आपको बड़ा ध्यान रखना है। अभी देखो ये सबके लिए है, ये तीन चीजें आपको हमेशा अपने दिमाग में रखनी है। सबसे पहला मॉइस्चराइजर यूज करो यार, ऑर्गेनिक मॉइस्चराइजर यूज करो, ज्यादा केमिकल वाले मॉइस्चराइजर यूज मत करो, आपके स्किन के हिसाब से मॉइस्चराइजर यूज करो। ऑयली स्किन वाला मॉइस्चराइजर यूज करो एंड ड्राई स्किन है तो ड्राई स्किन वाला मॉइस्चराइजर यूज करो। एंड जो सेकंड चीज है वो है सनस्क्रीन। जब आप बाहर जा रहे हो, सन पे जा रहे हो, तो आपको आपके फेस पे सनस्क्रीन लगाना है, जिससे आपके फेस सन एक्सपोजर से बचा रहे। मैंने आपको नौ रीजन जो बताया उसमें सन एक्सपोजर भी था, उसे याद रखना हमेशा, बाहर जा रहे हो सनस्क्रीन एंड फेस कवर रखने की कोशिश करो। एंड तीसरा जो चीज है वो देखो क्या है यार, देखो मैं जो चीजें बता रहा हूं ये जनरल है, लेकिन बहुत सारे मेरे भाई बहन होंगे जिनके फेस पर बहुत ज्यादा ओपन पोर्स वाले इश्यूज हो चुके हैं, तो आप लोग एक बार डर्मा क्लिनिक जाके आ जाओ यार, आप लोग एक बार डॉक्टर को रेफर कर लो, बिकॉज जो मेरी चीजें हैं वो एक कॉमन चीज है, जो होम रेमेडीज है, माना इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर ये आपके फेस पे काम नहीं कर रही है, अगर ये आपको रिजल्ट नहीं दे पा रही है आपका चेहरा रिजल्ट, तो आपको एक बार डॉक्टर के पास जाके दिखाना चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है, आप एक बार जाके उन्हें जरूर दिखा के आओ। बिकॉज हम जो बताते हैं वो हम बता रहे हैं अपनी नॉलेज से, लेकिन हम कभी भी एक डॉक्टर से ज्यादा अच्छा आपको नहीं बता पाएंगे, तो डॉक्टर आपके स्किन के हिसाब से, बिकॉज ये सबके लिए है, आपके पर्सनल स्किन पे हो सकता है ये चीजें आपके पर्सनल स्किन पे काम ना करें एंड आपको वो रिजल्ट ना मिल पाए। तो अगर आपको नहीं मिल रहा है तो ऑब्वियस ही बात है आपको डॉक्टर को रेफर करना पड़ेगा, बिकॉज ये चीजें हर किसी के स्किन पे काम करती हैं। आप पे नहीं कर रहे तो एक बार डॉक्टर को रेफर कर लो, डॉक्टर आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट बता पाएगा। गर्मी है भाई, आपको क्या नहीं करना है ओपन पोर्स के टाइम पे, आपको यार सबसे पहले सन एक्सपोजर में बिना सनस्क्रीन के नहीं जाना है, बार बार बोल रहा हूं मैं आपको, बिना सनस्क्रीन के सन एक्सपोजर में मत जाना। दूसरा, बार बार अपने फेस को टच नहीं करते रहना है। क्यों नहीं करते रहना है? क्योंकि आपके फेस पे बैक्टीरिया रहते हैं, आपके पोर्स ओपन है, टच करोगे बैक्टीरिया उसको ब्लॉक कर देंगे, तो आपको कभी भी अपने फेस को बार बार टच नहीं करना है। और तीसरा चीज है, आइस को डायरेक्ट अपने फेस पे नहीं लगाना, लाइक आइस लेकर रगड़ दिए फेस पे, ये नहीं करना है। आइस क्या करता है, इन पोर्स को क्लोज करता है, लेकिन अगर डायरेक्ट आपके टिश्यू से कॉन्टेक्ट में आ गया वो, तो आपके टिश्यूज को किल कर देगा। तो इसलिए आपको डायरेक्ट आइस यूज नहीं करना है, आपको एक टॉवल में रैप करके अपने फेस पे आइस से क्लीन करना है। अब बात करते हैं जिनको ओपन पोर्स नहीं है वो इससे बचने के लिए क्या करें कि ये हो ही ना, अपना फेस वॉश करते रहे हमेशा, सनस्क्रीन यूज करते रहे, एंड अपना जो मैंने आपको इतने सारे आपको पेस्ट बताए हैं उसमें से लास्ट को तीन पेस्ट ट्राई करें, एंड रात को सोने से पहले रोज वाटर अपने फेस पे लगाए, एंड सोने से पहले अपना मेकअप या आपके फेस पे जो भी क्रीम है वो वॉश करके, कोई भी ऑयल लगा के सोए, लाइक पैराशूट ऑयल या रोज वाटर लगा के सोए, सुबह वॉश करें। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था, मैंने शायद से जितनी चीजें हो सकती थी, जितनी चीजें मुझे पता थी कि हाँ ये जरूरी है लोगों के लिए जानना,
मैंने इस वीडियो में बता दी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ एक घंटा बजा दो और इस लाल को व्हाइट कर दो ताकि जब भी मेरी अगली वीडियो आएगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। एंड आपको लगता है मैंने कुछ मिस आउट कर दिया है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बता सकते हैं, मेरा इंस्टा एंड उधर भी जाके आप मुझे बता सकते हैं। तो बस मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, टिल देन स्टे होम स्टे सेफ स्टे हेल्दी, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, लव यू।